गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संजय बगारिया। दोस्तों, आई बिलोंग टू अ रिच मारवाड़ी फैमिली। हमारा फैमिली बिजनेस हैज़ बिन शिप रिपेयरिंग और मैंने अपना कैरियर अपने फैमिली बिजनेस साथ ही शुरू किया। लेकिन मैं बचपन से आई वॉज अ बिग ड्रीमर और मेरी सोच थी लिव लाइफ किंग साइज और मैं अपना कुछ सेल्फ मेड ओन बिजनेस करना चाहता था। आई स्टार्टेड पार्ट टाइम मैनी बिजनेस वेंचर्स लेकिन पार्ट टाइम में मुझे वो सफलता नहीं मिली जो मैं चाहता था। फाइनली आई केम टू मोदी के और मोदी के ने मुझे एक साल तो बहुत परेशानी हुई, सो मेनी चैलेंजेस, पर मैं ये जानता था एज अ बिजनेसमैन 2-3 साल तो लगते ही हैं यार किसी भी नए बिजनेस को सेट करने में। और दोस्तों, आज मोदी केयर से मैं 2 करोड़ से ज़्यादा कमाता हूँ। आई ड्राइव अ मर्सिडीज बेंज एंड आई एम एक्चुअली लिविंग अ किंग साइज लाइफ टाइम। इतना ही नहीं, मेरा बहुत बड़ा टीम है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मेरे टीम में बन चुके हैं मिलियनर्स एंड दे आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ। अगर आप भी मेरी तरह शानदार जिंदगी जीना चाहते हो, आप भी मोदी करके शुरू करो एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार, आप सबका स्वागत। मैं संजय बगारिया आज थर्सडे हमारे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने सुना इस वीडियो में जो मैं बता रहा था कि देखो, मैं मोदी केयर बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग में 20 लाख रुपए महीने कमाता हूँ और आप भी ये पैसे कमा सकते हो, ज्यादा भी कमा सकते हो, ठीक है ना, कोई भी कमा सकता है। नो डाउट, मुझे बहुत समय लगा और आप मुझसे जल्दी कमा सकते हो। तो आज का ये मीटिंग जिसका शीर्षक है, जिसका टॉपिक है दैट 100% सक्सेस गारंटी, 100% अब लोग ऐसा होता है, यस 100% सक्सेस गारंटी इफ यू फॉलो द गाइडलाइंस, फॉलो द सिस्टम। अगर आप सब मानने को तैयार हो, अगर आप सब कुछ करने को तैयार हो, मानने को तैयार हो, तो 100% आप जो नए लोग हैं, जो अभी बिगनर्स हैं, जिनको अभी 2-4-6 महीने हुए, हम बोलेंगे अपना अपना गोल बनाइए 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ। तो आज का जो ये मीटिंग है, ये प्रोग्राम है, ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव होने वाला है। आज ये फर्स्ट राउंड है बिकॉज इस मीटिंग को मैं आगे चलाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा सिस्टम डिवाइस कैसे करें, लेकिन आज का ये वार्म अप मीटिंग है जहां पे हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आज आप, मैं चाहूँ आप सब लोग मुझसे बात करना पड़ेगा, आपको मुझसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा चैट में। आप लोग सब चैट में हो, लिखो हाय एक बार, आर यू देयर इन द चैट गाइज एवरीबॉडी, कि आप सब लोग अभी 74-75 लोग हैं चैट में, हो आप लोग? नदीरा जी तो है, मैं देख रहा हूँ बाकी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, यानी आपका चैट बटन काम कर रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज मुझे हेल्प करिए ताकि हम लोग ये शानदार वे में ये मीटिंग करें। आपके हिसाब से ये मीटिंग होने वाली आज, इन मैं आपको आज बताऊंगा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। सो मुझे सबसे पहले बताइए, पहला सवाल है ना, मैं आप ही से पूछूंगा आज, मैं सवाल आपको करूंगा, आप चैट में उसका लिखोगे कि आपको क्यों लगता है कि लोग मोदी केयर बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग और मोदी केयर बिजनेस में बड़ा पैसा क्यों नहीं कमाते, वाई पीपल डोंट मेक बिग मनी और मे बी 1 लाख पर मंथ, वाई एवरीबडी इज नॉट मेकिंग 1 लाख पर मंथ इन मोदी केयर। मैं चाहता हूं आप इसका जवाब लिखें चैट में, उसके क्या क्या कारण होते हैं भाई, लोग 1 लाख नहीं कमा रहे उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक आया लिमिटिंग बिलीफ, वर्क नहीं करते, नॉट फोकस, वेरी गुड, मुझे बोलना है वापिस बोल रहे, बारे बाकी लोग लिखो आपको क्या लगता है, बिकॉज दे डोंट हैव विजन, दे डोंट डू बेसिक डेली, लूज पेशेंस मोमेंटम ड्यू टू नॉट फॉलोइंग डेली वर्क स्ट्रेटेजी। बहुत अच्छी बात है, देखो आपसे ही आ रहा है ना, पवित्र जी बोल रही है दे डोंट डू बेसिक, नादिरा जी बोल रही है ओके, केदार बोल रहे हैं सोच छोटी होती नहीं, गोल सेटिंग नहीं करते, वाह क्या बात है, क्या मजा है वाला मीटिंग है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप जवाब दे रहे हो, गोल सेटिंग नहीं करते, नो सेल्फ बिलीव, माइंड सेट, बिलीफ सिस्टम,
नॉट बिल फॉलोइंग 4-2-1, अच्छा वेरी गुड पवित्रा जी, वेरी गुड, नॉट फॉलोइंग 4-2-1, नीड हार्डवर्क, हार्डवर्क। अच्छा मैं गूगली मारू आपको, अब आपने सवाल किया उसका गूगली मारू मैं उसका उत्तर। अच्छा लोग हार्डवर्क क्यों नहीं करते, लोग बिलीव क्यों नहीं करते, लोग गोल सेट क्यों नहीं करते, लोग छोटा क्यों सोचते हैं, आप बताओगे? लोग बिजनेस अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते, वाई दे डोंट लर्न द बिजनेस, वाई दे लूज पेशेंस, उनके पास विजन क्यों नहीं है, मैं आपके बोल रहा हूँ, उनका फोकस क्यों नहीं है, वो क्यों वर्क नहीं करते, आप बताओ इसका, अब इसका जवाब चाहिए, क्यों हार्डवर्क नहीं करते, क्यों फोकस नहीं करते? बिकॉज ऑफ, वेरी गुड आंसर हर्षल जी, वेरी वेरी गुड आंसर, बिकॉज ऑफ सेटिस्फाइड विद करंट लाइफ, मतलब बहुत खुश है अपने करंट, बहुत पैसे कमा रहे हैं, है ना। लोग क्यों हार्डवर्क नहीं करते, लोग क्यों फोकस नहीं करते, वाई इज नॉट क्लियर, आप बोल रहे हैं वाई इज नॉट क्लियर, डजंट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अच्छा वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूं आप लोग के सवाल जवाब से, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। मैं अगला सवाल करूं, मान के चलिए किसी के पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, ज्यादा लाइफ में कंफर्ट भी नहीं है, लेकिन कंफर्ट जोन में घुसे हुए, ऐसे लोग क्यों घुसे हुए कंफर्ट जोन में, बताओगे? आज हम सवाल जवाब से चलेगी इसकी मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है आज, लोग अपने कंफर्ट जोन में क्यों है, अगर पैसा, अगर आप बहुत पैसे कमा रहे हो और कंफर्ट जोन में हो चलेगा, नो प्रॉब्लम भाई, बहुत पैसे हम क्यों माथा लगाएं, अगर आप ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे, आपके पास लाइफ की सारी सिक्योरिटी नहीं है, मनी सिक्योरिटी नहीं है, फिर आप क्यों कंफर्ट जोन से नहीं निकलते? आने वाले ना से डरते हैं, आलसी हो गए हैं, अमृत सागर जी क्या बात है, लोग आलसी हो गए हैं, करेक्ट, दे डोंट बिलीव, दे डोंट बिलीव। ओके इवा जी आपका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, दे डोंट बिलीव आंसर बहुत अच्छा सा है। अब मुझे बताइए, लोग बिलीव नहीं करते, ये तो बिल्कुल एकदम गारंटेड बात है, लोग बिलीव नहीं करते हैं इस सिस्टम में हमारे, ठीक है ना, मोदी केयर में, उनको ये बिलीफ नहीं है कि मुझे यहाँ से लाख रुपए आएंगे या लाखों रुपए आएंगे, उनके बिलीव नहीं है कि मैं बहुत बड़ा काम कर सकूंगा, ठीक है ना। आलसी है, बहुत सारे लोग आलसी हैं, आलसी की तो बात छोड़ दो, जो आलसी नहीं वो क्यों, उनका क्या, ऐसे भी लोग हैं जो आलसी नहीं है लेकिन फिर भी पैसे नहीं कमाते। अब मुझे बताइए, लोगों में बिलीफ सिस्टम कैसे लाया जाए, अगला सवाल, सवाल से सवाल, लोग बिलीव नहीं करते, क्या करें कि लोगों को बिलीफ सिस्टम आए, चलिए बताइए, लोग को विश्वास हो, लोग को बिलीव हो, क्या करें कि लोग को बिलीफ सिस्टम आए, प्लीज मुझे बताइए। मैं आज, मुझे कुछ नहीं पता इस बिजनेस के बारे में, मैं भी ना एकदम अनजान हूं, और मैं खुद करके दिखाना होगा। नहीं, लोग बिलीव क्यों नहीं करते, लोग का बिलीव कैसे लाएं, बिलीव नहीं करते हैं लोग, बिलीव नहीं करते, उनको बिलीव कैसे लाया जाए, लोग क्या करें कि हम लोग को बिलीव आए, आप क्या बोलते हो? अच्छा एक चीज बताओ, मैं जरा मोटिवेटिंग देम बाय शोइंग सक्सेस स्टोरीज। ओके 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 अब मुझे आप बताइए, आप अपलाइन हो, आपके टीम में 1, 2, 3, 4, 5, 100, 10, 50 डाउनलाइन है, ठीक है ना, आपके टीम में क्या प्रॉब्लम है, चले बताइए, आपकी टीम में आपको क्या लगता है कि आपकी टीम के जो लोग हैं उनके अंदर क्या दिक्कत है, वो बिलीव नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, 100 पी भी नहीं कर रहे, आलसी है, आप टीम के कैप्टन हो, आप क्या बोलते हो, आप कैसे करना चाहोगे आपकी टीम के लिए, चलिए हम आपकी बात करते हैं, आप बताओ कि कैसे लोगों को आप समझाओगे, आप क्या करोगे, यू आई वॉन्ट, कौन आगे आके बताएगा? अच्छा कोई अगर मुझसे बात करना चाहते तो मैं उसको यहाँ पर हॉट सीट में बुलाने को तैयार हूँ, या कोई लीडर है जो मेरे से बात करना चाहता है हॉट सीट में, तो हम सामने बैठ के बात करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बलराज जी आप बोलते हैं नॉट अटेंडिंग मीटिंग, आपका जो डाउनलाइन मीटिंग अटेंड नहीं करा उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, चलिए मेरा सवाल, जो आपका डाउनलाइन मीटिंग अटेंड करने को तैयार नहीं है उसको कैसे हैंडल करेंगे, आप क्या करेंगे? आप जिसको जोड़ रहे हो अटेंड नहीं कर, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बताइए, व्हाट इज द सॉल्यूशन, हमको रास्ता निकालना है दोस्तों, वी वांट टू फाइंड द आंसर, व्हाट इज द आंसर, ये मुझे मदद करेगा, अगर किसी को
वेरी गुड हर्षल मात्रे जी बोल रहे, थ्री वे कॉल विथ अपलाइन, फैंटेस्टिक आंसर, फैंटेस्टिक आंसर, फैंटेस्टिक आंसर, फैंटेस्टिक आंसर, मतलब बहुत सही बोला उन्होंने। अगर बात किया जाए, आई हैव टू अप्रोच देम इंडिविजुअली, एकदम राइट टू बोला जी, यू हैव टू अप्रोच देम इंडिविजुअली, इंडिविजुअली। ओके बलराज, बलराज सिंह, मैं आपको सामने ला रहा हूँ हॉट सीट में, अपना आवाज खोल लीजिए बलराज जी, आवाज खोलिए, अनम्यूट करें अपने आप को मिस्टर बलराज। यस सर, थैंक यू फॉर योर गुड मॉर्निंग ऑल योर क्वेश्चंस। तो बलराज जी आप क्या बोलते हो, आपकी स्पेसिफिक बात करेंगे, आपकी टीम में है बहुत लोग जो एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, सौंपे भी नहीं कर रहे और मीटिंग भी नहीं आ रहे हैं, आपके टीम में बहुत सारे लोग, बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं, एक दो जन ही अटेंड कर रहे हैं। ऐसे लोग कैसे पैदा हुए, ना काम करने वाले लोग कैसे पैदा हुए, आपको क्या लगता है कहाँ पे मिस्टेक हो रही है हम लोगों से? मेरे से मिस्टेक हो रहा है एक्चुअली। आपसे मिस्टेक हो रही है? हाँ जी, आज मेरे से मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक कर रहे हैं बताएं सबको। एक्चुअली मैं बीच में थोड़ा बीमार था, I was not there for the meeting for अच्छा, जब बीमारी का पीरियड छोड़ दिया उसके आगे और पीछे, बीमार था तो बात अलग है। वो लोग को actually they not taken it seriously, in fact ऐसे लग रहा है मेरे को, तो seriousness वो लोग business understanding नहीं हुआ है ये, तो उनको उनको business understanding कौन कराएगा? हम कराएगा, मैं कराना पड़ेगा मेरे को। कैसे कराएंगे? मेरे को इंडिविजुअली जाना पड़ेगा पहले। वो आप कब से जाना चालू करेंगे? वो तो कल से ही करेगा। वेदर देयर अभी तक नहीं, अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अभी तक नहीं कर पा रहे थे। उतना नहीं कर पाया उतना नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच बलराज साहब, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों देखो, बलराज जी को ताली बजाता हूं मैं, उन्होंने एडमिट किया। हां ओके दोस्तों, हमारे बीच में एक लीडर आ गए हैं, मिस्टर संदीप अधिकारी जी, और मैं उनको आज हॉट शीट ला रहा हूँ। संदीप जी आपका स्वागत है, और अपना आवाज अनम्यूट करें। हम लोग 10 मिनट मीटिंग कर रहे थे, बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे तब तक। हम लोग बात कर रहे थे कि लोग पैसा क्यों नहीं कमा रहे, लोग काम क्यों नहीं कर रहे, लोग बिलीव क्यों नहीं कर रहे, इसमें इंटरेक्शन चल रहा था। आइए तो आइए दोस्तों, हम GRDD संदीप अधिकारी का स्वागत करते हैं। और संदीप जी, ऐसे आज हम लोग, हमारे बीच में 109 लोग अभी हैं, और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई लोग मोदी के रहे पैसा क्यों नहीं कमा रहे, कमाना चाहते नहीं है, कमाना जानते नहीं है, या क्यों नहीं कमा रहे? आप क्या, आप बताइए, मैं आज लोग को बताना चाहता हूँ हाउ टू जवाब। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया हॉट सीट में आने के लिए। सर आप हमारे लिए एक आइडल हो, और सर आप, मैं तो जिस स्टेप पर, तो आपने आपको, आप सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर की तरह हो, जो पहले दिन से मैंने आपसे, जब मैंने आपको देखा भी नहीं था तब भी आपका नाम कंसिस्टेंटली इस इंडस्ट्री में एज ए ब्रांड आपने, हमने सुना था, किसी और कंपनी में था लेकिन वहां भी सुनता था, मोदी केयर में संजय बगड़िया जी बोल के कोई है जिनका बात लोग हमेशा करते थे, मैंने सुनता रहता था बहुत लोगों से, प्रोग्राम करने गया तो संजय जी की टीम से हो, संजय जी का ये है वो है, और सर भगवान ने मौका दे दिया कि आपसे मिलने का। तो सर मैं कुछ क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि एज ए मैं स्टूडेंट हूँ इस इंडस्ट्री का, सर ये जो आपने इंडस्ट्री में आए और इसे शानदार के वन से काम किए, तो आपने किस माइंडसेट से इस इंडस्ट्री में आए, एज ए आइडल नेटवर्क का माइंडसेट क्या होना चाहिए सक्सेस के लिए और कंसिस्टेंट सक्सेस के लिए, सर अगर आप बताएं। देखिए संदीप जी, आप जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं ना, मैं क्यों आया, जब मैं आया तब मुझे, मेरा माइंडसेट था मुझे कुछ काम करना है साइड में, बिगनिंग वैसे थी मेरे पास इतना, बिकॉज दैट वो इंडस्ट्री वॉज बिल्कुल न्यू 97 में, एकदम नई थी। और इस बिजनेस में मैं क्यों आया, मुझे पार्ट टाइम में एक बड़ा काम करना था। आई एम अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन बिजनेस सोचता है। और अगर आप मेरी बात करें पर्टिकुलरली और 97 की बात करें, तो मैं जब इस बिजनेस को शुरू करने का प्लान किया, तो मैंने माइंड में सेट किया यार यहाँ से 1,00,000 रुपये संजय अपने को कमाना है, बिकॉज वो मेरा बेंचमार्क है। एक आदमी जब काम करता है, एक आदमी नौकरी करने जाता है ना संदीप जी, तो वो एक मिनिमम सैलरी के बिना काम नहीं करेगा।
उसको अगर आप हर आदमी कोई 10,000 के लिए करेगा, कोई 25,000, कोई 50,000, कुछ से ज्यादा। तो 97 में मैं मोदी केयर को जानता नहीं था, लेकिन जब मैं घुस गया तो मैंने सोचा इसमें 1,00,000 रुपया कमाना है अभी। ये मेरी इंटरनल थिंकिंग पैटर्न थी, माइंडसेट थी मेरी, और वो माइंडसेट बहुत डिफिकल्ट थी। उसे मेरे पास कोई बताने वाला नहीं था, कोई अप्लाई नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। लेकिन क्या होता है संदीप जी, अगर कोई बिजनेसमैन होता है, देखो हम नेटवर्क की बात नहीं करते, हम बिजनेस की बात करते हैं। आप कोई भी बिजनेस कर लो, आप एक दुकान चला लो, शोरूम चला लो, ऑफिस खोल लो, फैक्ट्री खोल लो, जो लाखों लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसको ये मालूम होता है कि बिजनेस को चालू करने का, बिजनेस को सीखने का, बिजनेस को सफल बनाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कोई बिजनेस में अप्लाई नहीं होता, मैक्सिमम होता है तो कोई कंसल्टेंट होता है जो लाखों रुपया चार्ज करता है आपसे कंसल्टेंसी देने का। आज कोई नया काम चालू करता है वो किसी कंसल्टेंट को को लाता है, और शायद वो उसे लाखों रुपया चार्ज करता है कि वो उसको आइडिया देगा ये फैक्ट्री कैसे चलेगी, सामान कहाँ से मिलेगा। तो बिजनेसमैन माइंडसेट ये होना है, अगर अगर यहाँ पर किसी को भी, जितने लोग बैठे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब एक अपना खुद का बिजनेस, एक्चुअली यू आर अ बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर, और ये आप क्लियर कर लो, बिजनेस को जानने की, सीखने की, चलाने की, जो करना पड़े करने की 100% जिम्मेवारी उस बिजनेसमैन की है। अपलाइन डाउनलाइन भूल जाओ, एक बार अपलाइन डाउनलाइन तो सिस्टम के बाद में आता है। तो माइंडसेट यही है संदीप जी की, भाई जो आदमी 100% इसमें आता है तो माइंडसेट लेके आता है, वो माइंडसेट अपना बना के आता है। नंबर वन मैं बना के आया था कि मैं ये बिजनेस में, अच्छा इसमें मैंने बिजनेस क्यों बनाया कि मैं देखा ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत नुकसान है, ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत रिस्क है, पैसे डूब जा रहे हैं, जल्दी सफलता नहीं मिल रही है, उतना आसान नहीं है पैसे लगा लगा के काम करना। इस बिजनेस में मैं क्यों टिक गया, तो इसमें पैसा लगाना नहीं पड़ रहा था, इसमें नुकसान के चांसेस एकदम बेयर मिनिमम थे। अगर नुकसान नहीं हो तो आप लंबे समय तक बिजनेस को टाल सकते हैं, और बिजनेस को अगर लंबे समय तक करेंगे तो सफलता आएगी। मैक्सिमम बिजनेस बंद क्यों होते हैं, क्योंकि वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद लॉस नहीं बियर कर सकते, उसको बंद कर देते हैं। अगर किसी बिजनेस को 5 साल किया जाए, कोई भी दुकान, कोई भी शोरूम, कोई भी फैक्ट्री, तो आदमी उसका एक्सपर्ट भी बन जाएगा और वहां से कमा भी लेगा, करेक्ट। तो यही बात है, तो माइंडसेट तो ही बनाना पड़ता है सर। बहुत बढ़िया, बिजनेसमैन माइंडसेट से काम स्टार्ट करना पड़ेगा, ये सीखा। और सर क्या क्या एक्टिविटीज है डे वन में, क्योंकि तब तो बहुत टफ था, आज तो मोदी केयर में 700+ SKUs है, प्रोडक्ट्स है, तब तो शायद 6 या 8 मैंने सुना है इतना प्रोडक्ट था, लेकिन उस टाइम में भी क्या क्या स्टेप्स आपने किया, और तब तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई जानता भी नहीं था, और मोबाइल भी नहीं था, यूट्यूब कुछ भी नहीं था, फेसबुक कुछ नहीं था, लेकिन आपने क्या क्या स्टेप्स किया जो करने से, जो आज भी अगर वो हमको फॉलो करे तो लोगों को करना ही चाहिए, मतलब वो स्टेप्स आपको करेंगे तो सक्सेस गारंटी है, क्या क्या स्टेप है आपने? देखिए देखिए, मैंने जो जो किया वो तो चलो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आज क्या क्या करना चाहिए वो अलग बात है। मेरे समय में माहौल बिल्कुल दूसरा था, और हर चीज 100 times डिफिकल्ट थी, 1 time नहीं 100 times डिफिकल्ट थी, कुछ था ही नहीं, 5-7 प्रोडक्ट और कोई बताने वाला ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई ऑफिस। तो मेरी बात आप उस टाइम की छोड़ दें, मैं तो बोला ना माइंड सेट लेके आया था इससे कि मैं इसको सफल करूंगा, इसको धक्का खा के सीखेंगे, सीखने के लिए कुछ भी करेंगे, जितना भी समय लगे करेंगे, वो माइंडसेट था। हम आज की माइंडसेट बात करते हैं, मेरे ख्याल संदीप जी हम लोग जब आज लोग को ज्वाइन कराते हैं ना, मैं अब बात कर रहा हूँ हमारे अपनी अपने लीडर्स की, अपनी टीम के डाउनलाइंस की, आप जब किसी को बिजनेस अप्रोच करके प्लान शो करते हैं, ज्वाइन कराते हैं, आपको उस समय उसका माइंडसेट क्लियर कर देना पड़ेगा। तुम भाई एक है कि भाई सामान खरीदो और डिस्काउंट मिलेगा, तो आदमी सामान खरीदने के माइंडसेट से ही आता है कि चलो मेरे को ये डिस्काउंट मिलेगा, लॉयल्टी मिलेगा। दूसरा माइंडसेट है जो मैं, अगर मुझसे कोई बात करता है, आज मैं पहले बात कर लेता हूं, देखो आप यहाँ पे एज अ कंज्यूमर ज्वाइन कर सकते हो, बट क्या क्या आप यहाँ पे 25,000, 50,000 या 1,00,000 रुपया पार्ट टाइम में कमाना चाहोगे? तो मुझे उसका आंसर डे वन में मिल जाता है। आपको ये पूछना जरूरी है, आपका जो बच्चा है वो ज्वाइन करने के बाद पूछिए, आपने जिसको ज्वाइन कराया
आपको उससे बैठ के बात करना जरूरी है कि क्या तुम मोदीकर में मिनिमम 25,000 या अप टू 1,00,000 रुपया कमाना चाहते हो। आप देखो वो क्या बोलता है और बताओ क्या बोलेगा। वो जनरली लोग बिलीव ही नहीं करते ये पॉसिबल है। नया आदमी को ना आइडिया है और ना वो बिलीव करता है कि ये होगा कि नहीं होगा। राइट एकदम सर, बहुत बढ़िया कि हमको पहले क्लियर कर लेना पड़ेगा और क्लियरली बताना पड़ेगा जिनसे भी काम स्टार्ट करे कि वो एज ए प्रोस्पेक्ट आ रहा है या एज ए 1,00,000 रुपये कमाने के लिए आ रहा है, ये क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करना पड़ेगा और मैं तो बोलूंगा उसका माइंड सेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, कई बार लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं, आप जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। आपको देखिए पर्सनलाइज्ड टच में आपको उसका माइंडसेट करना पड़ेगा कि देखो इस डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर में तुम पहले आदमी नहीं हो, 1,00,000 या इससे ज्यादा कमाने वाले आज हजारों हजारों लोग हैं। आपके पास सफलता की स्टोरीज आज के दिन, आपके पास कनेक्ट मैगजीन है, आपके पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब में भरी हुई है। आपको देखिए कोई आपके साथ काम करेगा वो आपका पार्टनर बन जाता है। पार्टनर से तो ठीक करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि देखिए अगर कोई यहाँ काम नहीं करना चाहता मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं साफ कर लेता हूँ भाई तुमको मुझसे काम करना है या हमको मिलके काम करना है तो तुम बताओ तुम यहाँ कब पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। हम 1,00,000 मैं बोलता हूँ मैं तुमको 1,00,000 कमाना सिखाऊंगा, लेकिन फेज वन में 25,000 शुड बी आवर फर्स्ट गोल, क्योंकि यहाँ पे 25,000 जब आपका चेक आएगा तो आप उसको 50,000 और 1,00,000 का उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ये पहला बात होता है कि माइंडसेट एक अपलाइन को प्रोस्पेक्ट का या डाउनलाइन का करना पड़ता है। और अगर अभी भी आपने नहीं किया है, पुराना डाउनलाइन भी है, तो उसको बिठा के माइंडसेट कराइए। अगर आप माइंडसेट नहीं करा पा रहे हैं तो अपलाइन से बात कराइए, जो 3-way call में बात कर सकते हैं। बिना माइंडसेट के गेम स्टार्ट भी नहीं होगा संदीप जी। बाकी सारी बातें देखिए, लोग मीटिंग में प्रॉब्लम क्या थी, लोग मीटिंग में क्यों नहीं आते, लोग बिलीव क्यों नहीं करते, लोग घर से बाहर क्यों निकलते, उसको बिलीव ही नहीं है, उसका माइंडसेट ही नहीं है, उसको भरोसा ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि मोदी केयर में मैं कमा सकता हूं, या उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। जो आदमी उसे डील कर रहा है, जो उसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड अपलाइन, वो आपको बिलीव नहीं कर पा रहा कि आप कर सकते हो। क्योंकि संदीप जी एक बात क्लियर है, आदमी मोदी केयर ज्वाइन नहीं करता, आदमी आपको ज्वाइन करता है, एकदम क्लियर है ये। आदमी क्योंकि आप जब किसी को अप्रोच करते हो पहले आपको देख रहे होते हैं, आप कौन हो, कैसे दिख रहे हो, आप क्या सही लग रहे हो, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तभी वो आपकी बात सुनेगा, वरना आपकी बात नहीं सुनेगा। इट इज एक्चुअली वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर ओन पर्सनैलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट, लिटिल नॉलेज, अपना खुद के स्किल पे हम सबको काम करना जरूरी है और अपग्रेड करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग को संभाल नहीं पाएंगे। एकदम बहुत बढ़िया सर। पहले तो हम लोग कोई आता है तो हमसे जुड़ता है पहले, मोदी केयर से बिलीव करता है बाद में, बहुत बढ़िया। या तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे थ्रू ही मोदी केयर को बिलीव करता है। आपके थ्रू करेगा, आपको बिलीव करेगा, फिर आप मोदी केयर बोलोगे, मोदी केयर जो बोलोगे वो बिलीव करेगा, फिर आप मोदी केयर की मार्केटिंग करोगे। देखो ये है, मैं मोदी केयर में करता हूँ। संदीप जी मैं आपको बताता हूँ, अभी पिछले मैंने अभी कुछ लोगों को ज्वाइन कराया मेरे डाउनलाइन नीचे, और जो लोग थोड़े हाई प्रोफाइल के लोग हैं, थोड़े मोर एजुकेटेड। मैं देखो जो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल मरा हुआ है, उसके पास चॉइस भी नहीं है, ठीक है ना, वो तो चलो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। मैं बात, व्हेन यू इनवाइट एजुकेटेड पीपल, मैच्योर्ड पीपल, बिजनेसमैन पीपल, तो वो जब आए ऑफिस में, वो मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बात किए, उन्होंने ज्वाइन किया और काम चालू किया, फिर दोबारा मेरे साथ मिलने आए एक प्रोस्पेक्ट को लेके। उन्होंने मुझे बोला कि संजय जी मैं जब आया था मिलने में, भाई मुझे जिसने बुलाया मैं उसके बुलाने पे एक बार आ गया, बिकॉज मैं मना नहीं कर सकता था। ओके, वो होता है ना भाई, ऐसा रिलेशन होता है कि आदमी फॉर्मेलिटी में आ जाता है, चलो ठीक है हम आज आध घंटा जुड़ने आ गया। फिर मैं से मिला तो मेरे को उसने बोला अभी रिसेंटली कि देखिए मैं तो नेटवर्क वेटवर्क में बिलीव नहीं करता था, आई डिडंट बिलीव, और शायद मैं करता भी नहीं, लेकिन मैं आपसे मिल के मैं इम्प्रेस हुआ। मैं कहा संजय बगरिया खुद अगर है तो मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ पैसा कमा लूंगा, आप बोल रहे हो तो मैं मानता हूँ। मतलब वो मुझ पर भरोसा कर पाया फर्स्ट मीटिंग पे, चूंकि मुझ पर भरोसा कर पाया तो मेरी बात सुनने को तैयार हो गया। एक्चुअली वी हैव टू लर्न टू इम्प्रेस पीपल ऑन द फर्स्ट मीटिंग, एक्चुअली वी हैव टू लर्न टू इम्प्रेस पीपल। थोड़ा सा आपको अपना ना स्टाइल,
बिकॉज देखिए, आप अगर कमजोर दिखोगे तो आदमी आपको ज्वाइन या तो नहीं करेगा, करने के बाद आपकी सुनेगा नहीं. यू हैव टू लुक सक्सेसफुल, यू डोंट हैव टू बिकम सक्सेसफुल, यू हैव टू लुक सक्सेसफुल. एब्सोल्युटली सर. और सर एक चीज जानना चाहता हूँ कि आज के ये जो डायरेक्शन मोदी कर सक्सेस पाने के लिए ट्रेनिंग मीटिंग, मतलब टीम संजय बगड़िया जिसके लिए फेमस है, रेगुलर कंसिस्टेंट ट्रेनिंग मीटिंग, वीकली मीटिंग, ये सब कितना इम्पोर्टेंस है, होम मीटिंग, ये सब कितना इम्पोर्टेंस है और ये क्यों जरूरी है? ओके संजय जी, आपने बहुत ही वाइटल क्वेश्चन सीधा चले गए आप. देखिए हम लोग एक चीज बोलते हैं, हम लोग बेसिक बात करते हैं जो आम समझ जाए. एक्चुअली जब नेटवर्क में चाहे मोदी कह रही हो आदमी ज्वाइन करता है तो वो सीरियस नहीं है, वो बिल्कुल सीरियस, उसने उसने कुछ पैसे भी नहीं लगाए हैं, सीरियस नहीं है. तो मैं उनको बोलना चाहूंगा, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो, और पैसा के बाद मैं 25,000 से बोलता हूँ, उसके नीचे की तो बात भी नहीं करूंगा मैं, तो तुमको, तुम्हें अग्री करोगे कि तुमको काम करना जरूरी है. एक्चुअली ज्यादातर लोग बिना काम के पैसा कमाना चाहते. लेट्स कम टू द बेसिक क्वेश्चन. लोग डिसिप्लिन तरीके से या रोजमर्रे में मोदी केयर में काम करने को तैयार नहीं है या करते नहीं है. उनके लिए मोदी केयर उनका लास्ट प्रेफरेंस है. कोई घर को संभाल रहा है, कोई दूसरा नौकरी कर रहा है, कोई दूसरा काम ढूंढ रहा है, कोई इमीडिएट इनकम ढूंढ रहा है, कुछ कहीं पे मेरे को तुरंत कैसे पैसे मिल जाए. हाँ मोदी केयर अच्छा है, सामान अच्छा है, यूज करेंगे, अच्छा है, ठीक है, उतना ही है बस. नहीं मोदी केयर अच्छा है, चलो सामान खरीद लेंगे, ज्यादा अच्छा हुआ तो लॉयल्टी कर लेंगे, लेकिन वो काम कर, इसको ऐसा काम काम ही नहीं मान रहा है. आप जो बोल रहे ना मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, वो तो पार्ट टू हो गया, वो तो फेस टू हो गया, उसमें लोग नहीं आएंगे. उसमें अरे हम करने से क्या, लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो इसको काम ही नहीं मान रहे. वो सोचते नहीं मोदी कर की बिजनेस है. और पता है पहले लोग मुझसे पूछते थे आप क्या करते हो, मैं क्या, मैं मोदी कर करता हूँ. ओहो मोदी करते हो, अच्छा मोदी कर करते हो, काम क्या करते हो लेकिन. समझे क्वेश्चन क्या था उसका. ये बहुत बार मैंने फेस किया, मैं कहा मैं मोदी केयर बिजनेस करता हूँ. अच्छा मोदी केयर, वो मोदी केयर कंपनी, अच्छा सुनाओ मैं उसके बारे में. अच्छा तुम्हारा मेन काम क्या है लेकिन ये बताओ. यानी वो ये बिलीव नहीं कर पा रहा कि मोदी केयर से लाखों और करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, कमाए जा सकते हैं. आदमी ये बात बांधने को तैयार नहीं है. तो संदीप जी, जो अभी हम लोग मीटिंग ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आज भी हम ये मीटिंग ही कर रहे हैं. देखिए हम ये जूम पे मीटिंग कर रहे हैं. तो अब जो इसमें ना आए उसको हम कैसे समझाएं. अब जो इसमें भी ना आए, जो हमारी जूम मीट में ना आए, जो हमारी ऑफिस की मीट में ना आए, जो अपलाइन के फोन को ना उठाए, जो किस सेमिनार में ना आए. देखिए जो आएगा वो तो धीरे धीरे संभल ही जाएगा. जो मीटिंग में आएगा उसको धीरे धीरे मालूम होना शुरू हो जाएगा, उसका उसका जो भ्रम है वो टूट जाएगा. करेक्ट. तो मेन बात है कि लोग बिना काम के पैसे कमाना चाहते हैं. हमारा आज का शीर्षक है फॉलो द सिस्टम. वो बोले काय का सिस्टम, मैं क्यों फॉलो करूं, क्या गारंटी है. उसके माइंड में बहुत सवाल चल रहा है. तो एक्चुअली मैं आपको बोलूंगा दोस्तों एक सवाल, आपके आप जिस टीम के लीडर हो, आप हर कोई किसी टीम का लीडर है कुछ लोग का, आपको उनसे बैठ के हार्ट टू हार्ट पहले उनका माइंड सेट करना पड़ेगा. उनको मोदी केयर में पैसे कमा सकते हैं वो, उनको उसके लिए थोड़ा कमिट कराना पड़ेगा, उनको अग्री कराना पड़ेगा. जबरदस्ती नहीं करा पाओगे, उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा. उनको आप नहीं कर पा रहे, अपने अपलाइन से बात करवाओ, अपने टॉप अपलाइन से बात कराओ, उसको किसी तरह किसी मीटिंग में बिठाओ, किसी जूम मीटिंग में बिठाओ, कोई आपके शहर में मीटिंग हो रही है उसमें लेके जाओ, जबरदस्ती लेके जाओ. जब तक वो जाएगा नहीं ना, तब तक उसको उसका माइंड सेट नहीं होगा. और अगर लीडर, एज ए लीडर मैं बता रहा हूं, अगर आप अपने टीम के लिए वीकली मीटिंग, एक रिकग्निशन मीटिंग, एक बड़ा लेवल का मीटिंग, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक वीकली प्रोग्राम, अगर आप इसको चलाते हो, सिस्टम में चलाते हो, सिस्टम मतलब होता है जो एक नियम से चले, मर्जी से ना. आज मर्जी होगा मीटिंग करेंगे, आज करेंगे, सपोज करो आज मैं बोलता आज थर्सडे हम 8 बजे करते हैं, नहीं हम अगले थर्सडे को 6 बजे करेंगे ना, अगले थर्सडे नहीं, अगले हम अगले अगले महीने हम फ्राइडे करेंगे. वो सिस्टम ब्रेक हो जाता है. एनी एक्टिविटी डन विथ 100% सिस्टम डिसिप्लिन विल बिकम अ सिस्टम. संदीप जी आपको अच्छे से पता है, हम लोगों ने कई साल पहले मंडे को एक फैसला किया था, हर मंडे को हम ऑफिस में मीटिंग करेंगे.
और मुझे नहीं पता आप कितने दिन बाद जुड़े थे, मैंने फैसला किया था शुरू में तो हार्डली लोग आते थे, हार्डली 5-7 लोग ही आते थे। लेकिन क्या हुआ, जब आप उसको करते गए, फील्ड में काम करते गए, लोग को प्रमोट करते गए, लोग को बोलते गए, संदीप जी आप भी जब मोदी का ज्वाइन किए थे मैंने वो कहा था आपको मंडे को आना जरूरी है, आप एक लीडर हो, आपने कहा सर बताओ मुझे क्या करना है, मैंने कहा आपको मंडे मीटिंग में आना जरूरी है, अपनी टीम आना जरूरी है। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ मोदी केयर में, आपको उसी दिन माइंड सेट कर दिया गया कि आपको मंडे को ऑफिस में आना जरूरी है, और आपने और आप नए हो तो आप मंडे को आना चलोगे, अगर आप काम करना चाहते हो आपने लोग को वही बोलना चालू कर दिया मंडे को आओ मंडे को आओ मंडे को आओ मंडे को आओ। इसमें हमें लगा 1-2 साल लगा, और आज आपके सामने है कि ये जो मंडे मीटिंग को छोटे रूप में स्टार्ट किया गया था आज एक मेजर मेजर ड्राइवर हो गया। इस मंडे मीटिंग से हमारी रिकग्निशन मीटिंग निकली, ये जो मंडे मीटिंग करते थे उसमें जो हम हफ्ते का पहला मंडे रिकग्निशन मीट करते थे, यानी अपने अचीवर्स को माला पहनाना मान सम्मान देना, वो इतना बड़ा हो गया कि हमको हॉल में जाना पड़ा। हमारी मंडे मीटिंग चालू रही लेकिन एडिशनली हमको हॉल में रिकग्निशन चालू करना पड़ा, 200 से चालू करना पड़ा, हम 2200 में पहुंच गए, वो भी छोटा पड़ गया। तो आप जब इस तरह की एक्टिविटी को नियम से ड्राइव करते हो और अपनी जिम्मेवारी पे करते हो और आप कमिट होते हो कि मैं करूंगा, कोई करे ना करे मैं करने को तैयार हूं, कोई नहीं आएगा मैं आऊंगा, लोग को यह मालूम पड़ जाए कि संजय बगरिया मीटिंग में है कोई आए नहीं है तो वो आना चालू कर दे, वो बिलीव करना चालू कर दे। देखिए बिलीव अपने एक्शन से ही होता है, मुंह से नहीं होता खाली बोल बोल के, करेक्ट। एब्सोल्युटली सर, हमको याद है कि हमने जब आया था तो आप मंजे में कुछ कम ही लोग होते थे, 10-15 लोग होते थे, हम आते थे, लेकिन आप और पूनम जी हर मंजे रहते थे और पूरा दिन रहते थे, और हम लोगों के लिए एक माहौल बना था, एक फ्रेंडली माहौल बना था। मोदी का वो तो बाद में समझ में आया, पहले तो वो जो माहौल है उसको अच्छे लगने लगा और धीरे धीरे एक कल्चर डेवलप हुआ और उसके बाद सक्सेस भी उसके बाद बाई बाय मतलब साइड बाई साइड आने लगा। सर मैं और ये जानना और एक क्वेश्चन है आपको कि कौन सा काम है ऐसे ऐसे कंसल्टेंट जो करना नहीं चाहिए, मतलब जो करने से सक्सेस भी नहीं आएगा और सक्सेस आपका आएगा भी वो चला जाएगा, कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए? आप क्वेश्चन हम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसके पहले संदीप जी आपने बहुत ही अटल बात बोला कि एक वीकली बेसिस में मंथली बेसिस में मीटिंग कर तो माहौल बना, माहौल बना, माहौल, ठीक। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जब माहौल बनेगा तो नेटवर्क दौड़ेगा, और जहां माहौल नहीं होगा, देखिए लोग माहौल में आते हैं, लोग को आके लगता है यार बहुत लोग आ रहे हैं, अच्छा मीटिंग हो रहा है, लीडर अच्छे दिख रहे हैं, सब खुश हैं, सब मिलके कर रहे हैं। तो दोस्तों हमको सबसे पहले अपने नेटवर्क में माहौल बनाना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं आम आदमी की, आप मेरे लेवल पे छोड़ दो, एक यहाँ पे जो नॉर्मल अपलाइन बैठा हुआ है हम उसकी बात करते हैं, वो माहौल कैसे बनाए, उसकी टीम में सिर्फ 4 या 5 लोग हैं। मैं बोलूंगा अगर 4-5 लोग हैं आप ठीक कर दो कि हफ्ते में एक दिन हम लोग एक कॉफी मीट करेंगे, टी कॉफी मीट, और वो मेरे घर में करेंगे या किसी जगह करेंगे, आपको एक ठीक करना पड़ेगा। अगर मैं एक मीट अपने घर में चालू कर दूं, आप जहां चालू करके वहां बिल्ड हो जाएगा, इसको ऐसे ले लीजिए। तो आप अगर अपने घर में लोग को बुलाओ और वहां पर आप मिलके जब 1.5 घंटा गुजारोगे, वहां पे आप डिस्कस करोगे, प्लान डिस्कस करोगे, सामने वाले का क्या परफॉर्मेंस डिस्कस करोगे, और वहां पर जिसने भी कुछ अच्छा काम किया, सबूत के जो हर हफ्ते आ रहा है आपने उसको माला पहना दिया, कंग्रेचुलेशन आप 4 हफ्ते आए मीटिंग में, आप 4 हफ्ते मीटिंग में आए, मैं आपको एक गुलाब का फूल प्रेजेंट करता हूँ, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू। अरे आपने चारों आपने 3 महीने से अपना प्रोडक्ट खरीदा, यू आर एक्टिव अप्लाइंग, यू आर एक्टिव लीडर, आपको मैंने एक फूल दे दिया। अगर हम छोटी 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 चीजों को अगर हम करना चालू कर दें, अप्रिशिएट, देखिए सारा बिजनेस इज बेस्ड ऑन अप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन, मनी विल कम आफ्टर दैट। तो जब हम छोटे छोटे बिहेवियर को अप्रिशिएट करना चालू करें मीटिंग के माध्यम से, चाहे वो होम मीट हो, घर घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे हॉल में हो, वो माहौल बनाता है। जब माहौल बनता है तो आदमी और 4 लोगों को पकड़ के लाता है, वहां पे 5 से 50 होते हैं, 50 से 500 होते हैं, और फिर आप 50,000 भी कर सकते हैं लोगों को।
तो हम लोग को माहौल बनाना पड़ेगा। अब यह बोलता हूं मैं क्या नहीं करना चाहिए। देखिए क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो निगेटिव टॉक नहीं करना चाहिए। लोग काम नहीं करते हैं लेकिन क्या है, बात दस्तों बनाते हैं, ना अरे मोदी का फालतू है, अपलाइन फालतू है, कुछ क्यों काज होए ना, कोई काम नहीं करता। अरे काम तू नहीं करता, मोदी का तो काम कर ही रहा है, जो लीडर काम करता वो काम कर ही रहा है, तू काम नहीं करता। तो क्या है ना, लोग देखिए जो नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो आप किसी को कभी भी अपने फेलियर के लिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, पहली बात, नंबर फर्स्ट। अगर आप बोलते हो नहीं करना चाहिए तो ब्लेम नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या नहीं करना चाहिए, नेगेटिव टॉक नहीं करना चाहिए। तीसरा क्रॉस लाइन नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप एक्टिव लीडर हो, अगर आप ज्यादा समय गुजारते हो बाकी लीडर्स के साथ जो आपके ना अपलाइन है ना डाउनलाइन है, वो सबसे बड़ा कैंसर है नेटवर्क मार्केटिंग का। मैं हमेशा सुरेखा भार्गव जी की बात को बोलूंगा, सुरेखा भार्गव, खैर वो बहुत आगे तक चली गई है, बोलती है मैं अपने क्रॉस लाइन से चाय पीना भी पसंद नहीं करूंगी, उनका है मत। मैं क्यों दूसरे के घर झाकू जब मेरा इतना बड़ा घर है, मुझे चाय पीना है, मुझे खाना खाना है, मुझे अड्डा करना है, मुझे डिस्कस करना है, मुझे एंजॉय करना है, मैं अपलाइन डाउन साथ करूँ ना अपने। आपको आपका टीम ही आपके लिए सब कुछ होता है। अभी आप बोलेंगे सर जो अपलाइन के जो दूसरे टीम्स होते हैं जिनसे मिलते हैं मीटिंग में, आपको उसके साथ एक हेल्दी रिलेशन जरूर रखना चाहिए, लेकिन क्रॉस लाइन तब होता है जब आप ज्यादा इंटरेस्ट उसमें लेते हो, ज्यादा दोस्ती उनसे करते हो, अपने अपलाइन को इग्नोर करते हो, अपने डाउन इग्नोर करते हो, ज्यादा मजा उन, कभी भी क्रॉस लाइन से आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा, याद रखना। बिकॉज हर आदमी अपना इनकम बढ़ाना चाहता है, अपने क्रॉस लाइन का इनकम बढ़ाने में किसी का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, राइट? तो क्रॉस लाइन नहीं करना चाहिए, नेगेटिव टॉक्स नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई मीटिंग को बंक नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप ही मीटिंग में नहीं आ रहे हो, आप क्या मैसेज दे रहे हो, आप क्या सोचते हो, लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है? हर आदमी दिख रहा है कि कौन मीटिंग में आता है, कौन नहीं आता है, कौन जूम में आता है, कौन नहीं आता। मांगे चलिए संदीप जी कोई अपलाइन किसी भी जूम मीटिंग में नहीं आता, लेकिन वो पोस्टिंग करता है सब ग्रुप में, अरे आइए आइए आइए, अरे ज्वाइन करो, बहुत अच्छा मीटिंग है, ज्वाइन करो। वो खुद ज्वाइन नहीं करता, अगली बार लोग उसके 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 मैसेज का वैल्यू भी नहीं देंगे। बताओ क्या सोचेंगे, अरे खुद तो आता नहीं है, हमको बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इससे क्या होता है, उसका रिस्पेक्ट कम हो जाता है अपने अपलाइन के लिए। देखिए जो अपलाइन काम करता हुआ दिखता है, सिस्टम में प्रेजेंट होता है, सिस्टम में ट्रेनिंग करता हुआ दिखता है, उसी की इज्जत बनेगी, वरना किसी की इज्जत नहीं बनेगी। उसी से लोग इंप्रेस होंगे, जो काम करता है, जो अपने डाउनलाइन का होम मीटिंग करता है, जो डाउनलाइन के लिए जो जो मीटिंग करता है। अब देखिए अब सबको पता है कि संजय बगारिया थर्सडे को 8 बजे आएगा, अगर अगर कहीं आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है, तो भी थर्सडे को मीटिंग होगी, मीटिंग कैंसिल नहीं होगी। तो लोगों को ये भरोसा हो गया है कि वो हमारी बात का भरोसा करेंगे, अगर मैं मैसेज डालूंगा तो भरोसा करेंगे। सबसे बड़ी बात है नेटवर्क में हाउ टू विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। दो चीज है संदीप जी, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। अगर ये कोई कर ले तो नेटवर्क को चलाना, जैसे कि मुझे नेटवर्क चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, स्पेशली अपकमिंग लीडर्स के साथ। देखिए जब लीडर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मैं उनको, फिर वो अपने मर्जी से काम करें, कोई बात नहीं है, लेकिन जो अपकमिंग प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अपकमिंग लोग हैं, अपकमिंग जो मेरे साथ काम करते हैं, मुझे जीरो प्रॉब्लम है, बिकॉज आई हैव टू विन देयर ट्रस्ट फर्स्ट, आई हैव टू इन्फ्लुएंस देम, ठीक है? तो क्या नहीं करना चाहिए, तो यही है कि ब्रदर हमको ये बोलना चाहिए क्या क्या करना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्या क्या करना चाहिए। सर बहुत कुछ सीखा, जो नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो करेंगे तो बिजनेस बड़ा हुआ बिजनेस भी गिर जाएगा। सर और एक क्वेश्चन है सर, जो आज मोदी केयर ने एक टूर प्रोग्राम हमारा लॉन्च किया जलवा 2023, अगर हम एक परमानेंट और कंसिस्टेंट बिजनेस करना चाहे तो टूर को ये जो ऑफर है, ये ऑफर कितना इम्पोर्टेंट है, और इस ऑफर के ऊपर कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करें ताकि हम और लोगों को साथ एक बहुत बड़ा टीम बिल्ड करने में इस ऑफर का क्या इम्पोर्टेंस है? ओके वाह, वंडरफुल वंडरफुल, जलवा 23 क्रूज एंड दुबई। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, एक बिजनेसमैन है ना, वो कभी भी घाटा का काम नहीं करता, पहली बात।
नहीं तो अच्छा बिजनेसमैन नहीं है। दूसरा, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं करता। देखिए, एक होता है लॉस, एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, नफे, आप समझिए नफे में घाटा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो मान के चलिए कोई क्रूज नहीं है, कोई दुबई नहीं है, फिर भी आपको चार लाइन बनाना है, फिर भी आपको उस लाइन में चार के नीचे चार बनाना है, फिर भी आपको उनको बीवी कराना है, फिर भी आपको अपना चेक कमाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक लाख की तरफ बढ़ना है, आपको चार लाइन में काम करना ही है। और आपको सिर्फ काम करना नहीं है, आपके जो चार आदमी आएंगे, और मान के चलो उनके थ्रू जो चार आएंगे, आपको उनको उनसे भी काम कराना है। जब तक वो काम नहीं करेंगे, आपका नेटवर्क ग्रो नहीं करेगा। करेक्ट। मान के लिए कोई ऑफर नहीं है तो भी आपको ये करना ही है, यू मस्ट डू दिस। करेक्ट। अगर कंपनी आपको बोलता है तुझे जो करना है तू वही कर, और मैं तेरे को क्रूज फ्री में दूंगा, तुझे जो करना है तू वही कर, एक्स्ट्रा कुछ मत कर, वही कर, तू वो चार लाइन ही बना, तू वो चार लोग को रेडी कर, तू तेरे एक लाख की जर्नी तरफ बढ़, तू नेटवर्क में क्यों आया है? अगर तू पैसे नहीं कमाएगा तो ज्यादा दिन यहां रह ही नहीं पाएगा। यू हैव टू वर्क विथ स्पीड ऑल्सो, स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है एंड स्पीड इंपॉर्टेंट है। जो ढीला आदमी है वो कभी सफल नहीं होता, जो नॉन कमिटेबल है वो कभी सफल नहीं होता, जो इनकंसिस्टेंट है कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, वो कभी सफल नहीं होगा। नेटवर्क का मतलब है आपको हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने क्या है संदीप जी, जब नए लोग आते हैं उनका माइंडसेट करने में टाइम लगता है, उसको चार बनाओ, पांच जन बीबी कराओ, कराएगा लेकिन वो आज नहीं सीखेगा, उसको टाइम लगेगा, उसको ना मैच्योर होने में, उसका बिलीफ लेवल डेवलप होने में, उसको नेटवर्क में घुसने में टाइम लगता है। तो ये ऑफर क्या करता है, आपको तुरंत माइंडसेट देता है, तो आज से कर, अपने पास पांच ही महीने हैं, छह ही महीने हैं, दिसंबर में खत्म हो जाएगा, क्रूज करने तो पांच महीने करना पड़ेगा। अगर अभी जुलाई की बात करें, जुलाई में आ गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास छह महीने हैं, यानी छह महीने में आपको पांच बार करना है, चार लाइन बनाओ, चार नए लाइन जो मई के बाद ज्वाइन किए और पांच में हजार बीवी कराओ। अरे वो तो आपको वैसे भी करना है, वो क्रूज ना तो नहीं करोगे क्या? हम कहीं क्रूज के लिए काम कर रहे हैं? हम क्रूज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देखिए मोदी केयर में आपको क्यों काम करना चाहिए, आप पहले एक लाख कमाओ, फिर आप पांच लाख कमाओ, फिर आप दस लाख कमाओ, फिर आप पचास लाख महीना कमाओ, आप बड़ा घर खरीदो, आप एक आदर्श बन जाओ, आप हजारों लोग को इन्फ्लुएंस करो, आप जब यहां से जाओ तो लाखों लोग आपके जनाजे में खड़े हो आपके रोहब से, कि आपने उनकी जिंदगी को टच कर दिया, लाखों, हजारों, लाखों, आपके पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को, यू कैन मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ लैक्स ऑफ पीपल, और आप अपने लिए एक करोड़ों रुपए का वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए आप कितना बड़ा काम कर सकते हो। लोगों को मौका ही नहीं मिलता, या तो नौकरी करता है या कोई छोटा मोटा काम कर रहा होता है, उसको कहां मौका मिलता है लाखों करोड़ों कमाने का? मोदी करें मौका मिल गया आपको, आपके पैसे नहीं तो भी मौका मिल गया। तो ये क्रूज और दुबई तो गोल्डन मौका है कि इसको यूज करके खुद भी अपना माइंडसेट कर लो, अपने हर डाउन का माइंडसेट कराओ। देखिए जो काम नहीं करेगा वो क्रूज के बिना भी नहीं करेगा, क्रूज के साथ भी नहीं करेगा। जिसको नहीं करना है उसका बोलो क्रूज के, उसको बोलो आपको हम लंदन लेके जाएंगे, उसको बोलो आपको हम क्या बोले, उसको हम दुनिया का स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे, वो फिर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आलसी है, वो उसको उसका फोकस ही नहीं है, उसका माइंड सेट ही नहीं है। क्रूज और दुबई एक मौका होता है लोग का इमीडिएट माइंड सेट करने का, नंबर वन। नंबर टू, उनको इमीडिएट डायरेक्शन देने का कि चार लेग में काम करना है, पांच नहीं चाहिए हमें। चौथा उनको देता है कि देखो उसके नीचे भी तुमको टीम बिल्ड करना पड़ेगा, वरना एक आदमी से 5000 बीवी नहीं करा पाओगे। तो ये आपको एक्चुअली, देखिए जब मैं छोटा था और माँ बोलती थी दूध पियो, मैं बोलता था मैं दूध नहीं पियूंगा, ठीक है ना, हर माँ बोलती है ना बेटे को दूध पी ले, दूध पी ले, और हर बच्चा बोलता नहीं मुझे दूध पसंद नहीं, मैं दूध, माँ दूध नहीं पियूंगा। तो माँ मेरे को देती थी चॉकलेट, बेटा तू दूध पिएगा ना, मैं तो ये वाला कैडबरी दूंगी। तो वो कैडबरी के चक्कर में मैं दूध पीता था, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, वो कैडबरी के लालच में दूध पीता था।
तो मोदी गर बोल रहे क्रूज और दुबई के लालच में मैं तेरे को लखपति करोड़पति बनाना चाहता हूं, इस लालच में ही कर ले तू। समझो संदीप जी मैं क्या बोलना चाह। सर बहुत बढ़िया है कि हमको हम भी लगता है कि ये जो टूर प्रोग्राम है, ये टूर प्रोग्राम हमारे लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देता है और बिजनेस में एक मोमेंटम क्रिएट करता है। और सबसे बढ़िया बात सर मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल फीलिंग्स है कि पैसा लोगों को दिखाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब घूम के आते हैं ना तो एक क्लास और मोदी केयर का प्रोफाइल समझ में आ जाता है कि क्या लाइफ है और हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सर एक टूर तो बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बिजनेस जब जब हमने टूर में गया मेरा बिजनेस कई गुना बढ़ गया और मेरे टीम में और लोगों को बहुत आगे गया, आगे लेके गया। सर एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि डेमो और होम मीटिंग ये हमारे बिजनेस में कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन के पहले आपको क्रूज पे क्लोज करूंगा। संदीप जी आपने, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, यू आर अ ग्रेट लीडर, आप बहुत इंटेलिजेंट लीडर हो, बहुत स्मार्ट हो। और मैं बिल्कुल राइट पकड़ा कि लोग को लाख रुपया सौ रुपये नहीं दिखा सकते हम, वो उसका खुद का चेक, मेरा चेक दिखा सकते हैं, आपका दिखा सकते हैं। लेकिन जब वो क्रूज जैसे प्रोग्राम में या दुबई जैसे प्रोग्राम में क्वालिफाई करता है और वो जब इसको अटेंड करता है जहाँ पे पूरी कंट्री से लीडरशिप आती है, मैनेजमेंट आती है, वहाँ जो माहौल होता है मोदी केयर का ना, वो टोटली माइंड ब्लोइंग होता है। तो वो जब आप कोई भी आप में से, हम में से कोई भी अगर इस तरह के मोदी केयर इवेंट में जाके आता है तो उसका पूरा माइंड सेट एकदम कट्टर विश्वास में चेंज हो जाता है और वहां से उसका काम करने का स्पीड बहुत तेज गति से हो जाता है। तो मतलब मैं सबको यहाँ बोलना चाहूंगा दोस्तों, आपको फ्री में मोदी केयर नहीं दिया है, कुछ लेके नहीं दिया है। मतलब अगर आप इसको ऑल आउट इसको नहीं यूज कर रहे, ऑल आउट देखो अल्टीमेटली डेली काम करना है, डेली प्लान शो करना है, डेली होम मीटिंग करना है, डेली डेमो करना है, डेली प्रोस्पेक्ट पकड़ना है, डेली करना है। तो जो डेली काम करेगा और क्रूज और दुबई को लिंक करके करेगा, वो वहां भी जाएगा, उसको वो फायदा भी होगा, उसका टीम भी बढ़ेगा, उसका नेटवर्क भी बनेगा। एंड हर कीमत में हमको ये क्रूज और दुबई के लिए ऑल आउट खेलना चाहिए। अभी तक हमारे पास टाइम है, अभी भी कंप्लीट सफिशियंट टाइम है हमारे पास। अब हम बात करते हैं, आपको क्रूज चाहिए, आपको दुबई चाहिए, आपको 1,00,000 रुपया कमाना है, आपको पैसिव इनकम कमाना है, उसका एक ही रास्ता है कि आपको डेली बैठ के 1-to-1 में मीटिंग करना पड़ेगा। सबसे सबसे पावरफुल तरीका है 1-to-1 या 2:1 या 1-to-1 या अपलाइन के साथ मिलके, जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ, चाहे ऑफिस में, चाहे होम में, चाहे होम मीटिंग के द्वारा, चाहे मेरे घर में, चाहे आपके घर में, करेक्ट, ये हमारा मिनिमम बेसिक ड्यूटी। अगर हम डेली बेसिस में 1-to-1 लोग से मिल नहीं रहे तो वो आप काम ही नहीं कर रहे हो। हम लोग बात करें ना भाई, काम तो करना पड़ेगा ना कमाने के लिए, लोग काम नहीं कर रहे हैं, चाहे उनका जो भी रीजन हो, कोई बोलेगा मैं बिजी हूँ, कोई बोलेगा मेरा दूसरा लफड़ा है, कोई बोलेगा मेरे घर में प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा कोई बीमार है, कोई बोलेगा अरे जो भी कुछ है, बिजनेस तो बिजनेस से ही होगा, बस बिजनेस तो बिजनेस से ही होगा। और बिजनेस के लिए आपको जाके किसी के साथ बैठना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति, मैं यहाँ पे क्या बोला हूँ, 100% गारंटेड सक्सेस का मतलब है, एनीबॉडी अगर वो ये डिसाइड कर ले मैं डेली एक, ठीक है अभी हम लोग जो वर्कशॉप में थे वही बात कर रहे थे, अगर कोई 5 लोगों से डेली मिल लेना तो दैट इज द बेस्ट स्पीड बाय विच यू कैन वर्क। लेकिन जो मिनिमम स्पीड होता है 1 डेली, अगर एक प्रोस्पेक्ट से कोई डेली बेसिस मीटिंग फिक्स नहीं करे, एंड वो जनरली होम मीटिंग ही होती है, होम मीटिंग, और होम मीटिंग क्या है, सबसे इजी होती है, होम मीटिंग में लोग को हैंडल करना इजी होता है, लोग को हैंडल करना इजी होता है, लोग को आप हॉस्पिटैलिटी भी दे सकते हो। तो डेली एक होम मीटिंग करना चाहिए, होम मीटिंग मतलब घर में बैठ के मीटिंग, कॉफी जो में बैठोगे आपको वहां खर्चा लगेगा, करेक्ट, तो उसको घर में कर लो। घर में कब नहीं करते, जब उसको घर में बुलाना मुश्किल होता है तो आपको बाहर जाके कॉफी शॉप में बैठना पड़ता है। जब घर में प्रोस्पेक्ट घर में आने को तैयार नहीं है या दूर है या मुश्किल है तो आपको वहां जाके करना पड़ता है। मैं बोलूंगा बेस्ट तरीका है संदीप जी, अगर हम प्रोस्पेक्ट के घर जाना चालू कर देना, दिस इज द बेस्ट वे टू बिल्ड नेटवर्क। क्योंकि आप जब घर जाओगे किसी के तो वैसे ही वो थोड़ा नरम हो जाता है, फिर आप बैठ के उससे बात करोगे, थोड़ा इन्फ्लुएंस करोगे, और फिर आपने जो बोला प्रोडक्ट डेमो को, ये 100 गुना सत्य है कि जब तक प्रोडक्ट का डेमो नहीं दिखाओगे वो बिलीव नहीं करेगा।
उसको जितना हम उसे बोल लो स्टील क्लिप में ये अच्छा है, सिल्वर टिप में ये अच्छा है, ये जब आप उसको लाइव डेमो दिखाते हो, दो डेमो भी दिखाते हो, दो दो मिनट का भी, और वो देखता है ना, उसका ब्रेन उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज चला जाता है, अरे यार ये तो बढ़िया है, ये तो वो आपकी बात को नहीं, अब वो खाली सुन नहीं रहा, वो देख रहा है। हम लोग बोलते हैं ना, वन इज सुनना, सेकंड इज देखना। जब दोनों होता है, सुन भी रहा है देख भी रहा है, तो उसका बिलीव बहुत जल्दी होता है। सारा खेल तो बिलीव का है। बिलीव कराना है मोदी का प्रोडक्ट बढ़िया है, बिलीव कराना है तेरे को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, बिलीव कराना है तू ये काम करेगा तू यहाँ पे 25,000 एक लाख कमाएगा, बिलीव कराना है तेरे को फॉरेन ट्रिप पर गाड़ी मिल जाएगा, ये तो बिलीव कराना है, ये बिलीव। तो मेरे ख्याल से जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट कदम है वो है होम मीटिंग। वहां पे आपको उससे बैठने का मौका मिलता है, उसको माइंड सेट करने का मौका मिलता है, उसके घर का आपको स्टैंडर्ड देखने का मौका मिलता है, उसका घर का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द स्टैंडर्ड ऑफ द पर्सन, तब उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो। करेक्ट। मैं लोगों को बोलता हूँ, अच्छा क्या आप सर 5 लाख रुपए कमा रहे हो? मुझे पता है नहीं कमा रहा है। मैं ये पूछता हूँ, क्या अच्छा 5-7 लाख रुपए कमा रहे हो महीने का? बोला कहाँ सर 5-7, हो सकता है 25-50 हज़ार कमा रहा हूँ। वो वही उसका उसको थोड़ा सा उसको धक्का लगता है, तू कोई तीर नहीं मार रहा, हम बात कर रहे हैं 5-7 लाख की ये इनकम आता है मोदी घर में। तो लोग को थोड़ा धक्का मारना पड़ता है, हाउ टू ओपन द टॉक, ठीक है ना। तो होम मीट, और होम मीट में अगर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, 1-2 10 टू भी मत दिखाइए, वो क्लोज हो जाएगा। इनिशियल में 2 या 3 डेमो इज मोर देन इनफ। बेसिकली उसको ये बिलीव कराना है कि मोदी के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है बस, और मार्केट से बेटर है, वो 2-3 प्रोडक्ट से बिलीव हो जाता है। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आज हम जो संदीप जी बात करें ना, फॉलो द सिस्टम, उसका पहला पार्ट है डू 1 मीटिंग एवरी डे। लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, क्रूज दुबई चाहते हैं, वो डेली मीटिंग नहीं कर रहे हैं। सर बहुत बढ़िया, होम मीटिंग और डेमो हमारा बैकबोन है, उसको फॉलो करना चाहिए। और सर ज्यादा टाइम नहीं है, लास्ट एक क्वेश्चन जरा पूछना चाहेंगे कि आज बहुत इजी मनी के लिए बहुत सारे कंपनीज हमारे आसपास बहुत हम लोगों को चारा डाल रहा है आसपास पे, ताकि बहुत इजी मनी है, बहुत तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आप जो पीछे मिलेनियर का टारगेट दिया हो, तो मिलेनियर से बड़ा का ख्वाब दिखाता है, कोई काम नहीं करना पड़ता है, बहुत इजी वे में आ जाता है। तो ये सब से कैसे बचना है, और इन सबको क्यों नहीं इनमें फंसना है, आप थोड़ा ये तो बताइए कैसे इससे आपने खुद को बचा। देखिए, मार्केट में बहुत सारे बेईमान लोग घूम रहे हैं, और उनको लोग को फंसाना है, उनको फास्ट इनकम करना है किसी का पैसा चोट करके। देखिए, एक आदमी वो ऐसे प्रोग्राम में तभी कमाता है जब वो 2-4-5-10 लोगों को फंसाता है। जितने लोगों को फंसाएगा उतना पैसा वो कमाएगा। उसको वन टाइम पैसा चाहिए, इमीडिएट इनकम चाहिए, उसको भी पता है ज्यादा दिन नहीं चलता। अब पता है घर में हम लोग चूहा कैसे पकड़ते हैं? घर में चूहा होता है ना, तो एक चूहेदानी आती है, वो आजकल नहीं, पहले हमारे घर में चूहेदानी होती थी, हम उसके अंदर में रोटी का टुकड़ा लटका देते थे, और रात को चूहा रोटी के चक्कर में उस चूहेदानी में घुसता था और उसमें कैद हो जाता था, और जिंदगी भर गुलाम हो जाता था, उसको मार दिया जाता था। जब तो ये जो जितने भी लोग मार्केट में घूम रहे हैं ना, वो चूहेदानी लेके घूम रहे हैं, और वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और आदमी जनरली नेचर से लालची है, आलसी है और लालची है, एक आलसी है और एक लालची है। यानी इसको बिना काम के पैसे मिल जाए, ज्यादा देर काम नहीं करना पड़े, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, बड़े पैसे आ जाए, उस पता है उसको वो सपना दिखाते, अरे तेरे ये पैसे आ गए तो तेरे को ये हो जाएगा। मेरे को एक डाउनलाइन ने बताया कि उसने ऐसे किसी प्रोग्राम में 1 लाख रुपए लगा दिया। मैंने कहा तुमने क्यों लगाया? बोला सर इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, और बोले तुमको 10 पॉइंट पैसा तो आ ही जाएगा, तो मैं सोचा अगर 1 लाख लगा दूं और 10,000 महीना आ जाए तो मेरा तो बहुत बड़ा, मेरा तो भाड़े का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वो अपने प्रॉब्लम में चली गई। तो उसने क्या किया, लोन लेके 1 लाख रुपए लगा दिया। कैन यू इमेजिन? और वो तो फंसना ही था। मेरे को फोन तब आया जब फंस चुके थे, काम तमाम हो चुका था, और मोदीगढ़ वो छोड़ चुके थे, मोदीगढ़ में आ नहीं रहे थे। तो मैंने कहा तो मुझे समझ में आया मोदीगढ़ में क्यों नहीं आ रहे थे। मोदीगढ़ में पैसे आ रहे हैं 500,000, डायरेक्टर बन गए 3,000, उनको चाहिए सीधा 50,000 को रातों रात दे दे। और आपको पता है अभी भी आज भी मेरे को लोग अप्रोच करते हैं, बोलते हैं संजय जी मुझे काम बताइए, हम रुपया लगाने को तैयार हैं। हम मोदी घर में 10 लाख 20 लाख 50 लाख बोले कितना लगाने को तैयार है, काम आ जाए।
चक्कर क्या है, पैसे लगा के पैसा वो फिर दूसरा गेम है, एफडी करो, इन्वेस्टमेंट करो, वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अलग कहानी है। मैक्सिमम लोग ओवरनाइट अमीर बनने के लिए वो जानते हैं, कई लोग फंसेंगे, कई लोग जो फंसेंगे तो उनको आ जाएगा। तो क्या है कि भाई मैं आपको बोलूंगा, कहीं पर भी बिना काम के पैसे नहीं है, कहीं पर भी मेहनत किए बिना पैसे नहीं है, कहीं पर भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं आता। आप किसी काम को सीख के 2 साल 3 साल 4 साल रन करते हो, उसके बाद आपको लाखों रुपए महीने आते हैं और वो परमानेंट इनकम आता है। रादर परमानेंट को बोलते हैं, पैसिव इनकम आता है, परमानेंट भी नहीं, उससे आगे बढ़ के पैसिव, यानी आप चले भी जाओ तो सारा पैसा आता रहेगा, ऐसा इनकम। तो देखिए गांधी जी ने कहे थे, विदाउट मेहनत जो पैसे आते हैं वो अधर्म के होते हैं, वो गलत पैसे होते हैं। कहीं से भी अगर पैसा बिना मेहनत के आ रहा है तो आप ये मान लो उसमें कुछ लोचा है, कुछ गड़बड़ है, कोई बिद्दू बना रहा है, मुझे समझ में आया चाहे नहीं है। और पता है रोज एक मेल आता है, आपके नाम पे लॉटरी उठ गई है इतने रुपए की, ये अपना पैन कार्ड जमा करिए। उसको पता है अगर मैं 1 लाख मेल करूंगा मुझे 10 आदमी फंसेंगे, जो मानेंगे इस बात को, अपना अकाउंट नंबर देंगे, वो उसका लाखों रुपया साफ कर देगा बैंक अकाउंट से। ये रोज आता है मेल, रोज आता है, कभी आपका कनेक्शन कट जाएगा कॉर्पोरेशन का, हर रोज आता है ये, करेक्ट। तो संदीप जी ये तो देखिए, ये तो हम सिलसिला हमेशा है कि जो आदमी लालच में जाएगा वो मरेगा। आप लालच के रास्ते मत चलिए, मेहनत के रास्ते चलिए, और अच्छी कंपनी में अच्छे लोगों के साथ अच्छे मन से काम करिए, पैसा भी कमाएंगे इज्जत भी कमाएंगे, दोनों कमाना है हमको, खाली पैसे नहीं कमाने, पैसे के साथ रिस्पेक्ट भी कमाना है हमको। एब्सोल्युटली सर। और सर जो लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जो फ्रेंडली बिहेवियर, ये कितना हेल्प करता है बिजनेस ग्रो करने के? देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब अपलाइन और डाउनलाइन एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं ना, वो दोस्त तभी बनते हैं जब एक दूसरे को चाहते भी हैं, एक दूसरे को बिलीव और ट्रस्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द मोस्ट हेल्दी रिलेशन, करेक्ट। और जब ऐसी रिलेशन होती है तो आपकी प्लानिंग बेटर होती है, आपका केमिस्ट्री बेटर होता है, आप ज्यादा, आपका काम करने का इच्छा ज्यादा होता है। देखिए आप दोस्त के साथ घूमना चाहते हो, मजे करना चाहते हो, अगर वही दोस्त आपका अपलाइन है या डाउनलाइन है, आप उसके साथ मजे भी करते हो और आपके साथ काम भी कर रहे होते हो, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, आप ज्यादा फोकस हो जाते हो। और दूसरी बात क्या है ना कि ये हम सब जानते हैं, आपका जैसा एसोसिएशन होगा ना वही आपका रिजल्ट लाएगा। अगर आपके अप्लाइंस आपके दोस्त हैं तो हम लोग तो हम क्या बात करेंगे, हम अपने ग्रोथ की बात करेंगे, हम अपने आगे अच्छे इवेंट और प्रोग्राम की बात करेंगे, हम अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करेंगे, हम आइडियाज बात करेंगे कैसे इनकम को बढ़ाया जाए। तो आपका एसोसिएशन अच्छा हो जाता है, और जिसका एसोसिएशन ठीक हो जाएगा ना वो तो पैसा कमा ही लेगा। सुनील जी सर, मेरे लिए मोदी केयर में एक रिलेशन जो बन गया, मेरा तो क्लोज जितना फैमिली मेंबर है उनके साथ तो मैं रिश्ता निभा नहीं पाता, लेकिन मोदी केयर में मेरा बहुत सारा नया नया फ्रेंड बना है जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, और बाकी का लोग नेगेटिव बात करते हैं, पर मोदी केयर के लोग ग्रो करते हैं। मेरा आपसे, पूनम जी से, मेरा टीम मेंबर से ये दोस्ती हमारा जो रेसिपी है जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस करते हैं, और हमने भी देखा है सर जहां दोस्ती टूटा वहां बिजनेस खत्म। एकदम, जहां दोस्ती को टूटा वहां पे बिजनेस छूटा, एकदम खत्म हो जाता है। हाँ। तो सर 9 बज गए, तो एक क्वेश्चन है मैं कर दूं जो डायरेक्ट मैसेज में आ रहा है। देखिए दोस्तों, आप बात करते हैं अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, ऑनलाइन की, देखिए ऑनलाइन में जो भी काम हो रहा है सब डुप्लीकेट काम हो रहा है, आपको बता दें वो सब चोरी चकारी काम हो रहा है, ग्रे मार्केट एरिया है, वो प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है, वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नकली कोई गारंटी नहीं है, वो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है कि नॉन एक्सपायर्ड, कोई गारंटी नहीं है। जस्ट बिकॉज कुछ पैसे कम में कुछ गलत लोग बेच रहे हैं, याद रखिए उसमें ना तो आपको लॉयल्टी मिलेगी, ना आपको उसमें रीपर्चेज ऑफर मिलेगा, ना आपको उसमें बीवीपीवी मिलेगा, ना उसमें वो क्रूज मिलेगा, ना उसमें वो कैरियर मिलेगा। तो देखिए कुछ लोग वो गलत करेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, आप जिससे डील करो उससे सही तरीके से डील करो। याद रखिएगा अगर आपको हम टीवी खरीदना है आपको, और आप टीवी के लिए शोरूम में जाते हो
जहां पे उसका उसका दाम है 50,000 रुपया, जिसमें 5 साल की गारंटी है, और वही टीवी आपको कोई चोर बाजार में 30,000 में मिल रहा है विद जीरो गारंटी, आपके लेंगे क्या? कभी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर खराब हो गया तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। आपने नहीं, मैं 50,000 दे के मैं एक पक्के बिल के साथ 5 साल की गारंटी के साथ मैं टीवी लूंगा। तो दोस्तों ये तो माइंडसेट की बात है, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट से ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा बिजनेस फिर भी बढ़ रहा है, हमारा बिजनेस फिर भी बढ़ रहा है। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, हमें खुद को एजुकेट करना है और हम अपने लोग को एजुकेट करना है। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपके साथ कि हमने जब ज्वाइन किया मोदी केयर में आज से 8 साल पहले, तब भी अमेजोन फ्लिपकार्ट था, लेकिन मेरा जो मकसद था 1 लाख रुपया वो 8 लाख तक पहुंच गया, लेकिन कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट हमको रोक नहीं सका। मैं सिस्टम के साथ था, आपका ट्रेनिंग मीटिंग और आपने जैसे गाइड किया, कंपनी ने जैसे गाइड किया, ऐसे काम किया, और मैंने प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों में फोकस किया और लोगों के ड्रीम को फोकस किया। तो ये अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले तो ड्रीम नहीं जेल कर पाएंगे ना, डिस्काउंट दे सकते हैं लेकिन ड्रीम नहीं दे सकते, करियर नहीं दे सकते। अगर हम लोग प्रोडक्ट के बजाय लोगों को ड्रीम पे फोकस करें, अगर हम लोग प्रोडक्ट के बजाय लोगों को पे फोकस करें, उसके खुशियों पे फोकस करें, उसको कैसे और हैप्पी रखा जाए उस पे फोकस करें, तो ये अमेजोन फ्लिपकार्ट के क्वेश्चन नहीं आता। और सर सबसे बड़ा बात है, कोई भी कस्टमर अगर मेरे साथ बैठे और अगर हम उसको इमीडिएट प्रॉफिट, डिस्काउंट, चेक, रॉयल्टी ये सब ऐड करके दे, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट का प्राइस के साथ कंपेयर नहीं होता। मुझे अगर कोई बोलता है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट से इतना सस्ते मिलता है, मैं बोलता हूँ और भी सस्ते मिलेगा, आधार कार्ड तो आईडी खोल देता हूँ, सारे घर का सामान दो और पूरा कंपनी से डायरेक्ट तुमको सस्ते मिलता रहेगा। करेक्ट करेक्ट संदीप जी, आप बिल्कुल करेक्ट हो। ये प्रॉब्लम 1% भी नहीं है और कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहेंगे, आप अपने सिस्टम में रहिए। दोस्तों हम इसको आगे विस्तार में बात करेंगे। आपको बता दूं, शनिवार को ऑन सैटरडे जो हमारा जो मेगा मीट होता है उस पे हम इस टॉपिक पे हमारे जो लीडर आएंगे, ही विल बी टॉकिंग इन डिटेल विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि हाउ व्हेन यू फॉलो द सिस्टम सक्सेस इज गारंटेड 100%। दूसरी बात है, थोड़ा पेशेंस रखिए दोस्तों, बड़ा कमाने के लिए थोड़ा समय ज्यादा लगता है, छोटी कमाई आ जाती है, तो हैव पेशेंस इन योर अप्लायंस, हैव पेशेंस इन द सिस्टम, सिस्टम का हिस्सा बनिए, हर मीटिंग ट्रेनिंग में आइए। मैं बोल दूंगा दोस्तों, जो हर रोज एक जूम मीटिंग अटेंड करेगा ना, हर रोज एक जूम मीटिंग, उसको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। सो आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू सो वेरी मच, आई लव माई टीम। और दोस्तों मेरा ये मेरे से कमिटमेंट वादा है कि हम अपने टीम में फर्स्ट फेज में 1,000 मिलियनर्स क्रिएट करेंगे, और हम किसको कर पाएंगे, जो करने के लिए, जो बनने के लिए आगे आएगा, जो बोलेगा मैं बनना चाहता हूं, बोलिए सर क्या करना है, किस मीटिंग में आना है, कितना काम करना है। दोस्तों इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। आप मान लो, लिख लो अपने बैंक में 1 लाख रुपया आपका आना शुरू हो गया है, लिख लो मेरे से, मेरी गारंटी है, मेरे को एक एक पॉइंट समझ में आ चुका है कि कौन 1 लाख कमाएगा और 1 लाख से 5 लाख कैसे कमाएगा और 5 से 10 कैसे कमाएगा। अगर आप तैयार हो सिस्टम में मानने के लिए, प्लान के साथ मिलके, दोस्तों आप करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति, राइट। सो थैंक यू संदीप जी, आपने इतने शॉर्ट टाइम में टाइम निकाला और इस मीटिंग में आया और आपने मीटिंग की शान बढ़ाई, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड दोस्तों कल फ्राइडे को हम बांग्ला में बहुत अच्छा मीटिंग करने जा रहे हैं, और सैटरडे को टॉपिक रिमेन्स द सेम, How to get guaranteed success by following the system. आपको उसका डिटेल गाइडलाइन सैटरडे को मिलने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू ऑल वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।